बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़िर। नीलम शहज़ादी आपकी खिदमत में हाजिर है लोहड़ी किचन से नई रेसिपी लेके। तो आज की मेरी रेसिपी है चिकन की कढ़ाई। दोबारा मैं फरमाइश पे बना रही हूँ, पहले भी मैंने बनाई थी लेकिन ये मैं दूसरे तरीके से बना रही हूँ, वो मैंने दूसरे तरीके से बनाई थी। तो उसके लिए हमें चाहिए 3 किलो मुर्गी, जो मैंने जिसको अच्छी तरह से मुर्गी जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया, ठीक है। 1/2 किलो दही पड़ेगी इसमें, और इसमें 3 से 4 चम्मच सुरख मिर्च, 4 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हाफ टी स्पून हल्दी और 1 से 1.5 चम्मच गर्म मसाला, हरी मिर्ची हल्दी कटी हुई बारीक, ठीक है, हरा धनिया और अदरक कटी हुई बारीक, लहसुन इसको हम पीस लेंगे, 4 अदर टमाटर, 5 अदर प्याज। तो करेंगे क्या, सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 2 प्याली ऑयल डाला है, वो गर्म हो गया, इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का स्लाइस सा पिंक करेंगे, हल्के से पिंक हो गए हैं, ज़्यादा नहीं करने हमने। अब मैं इसमें मुर्गी धोई भी डाल दूँगी, इसमें देखें मुर्गी को डाल दिया, तो अब हम इसके साथ मुर्गी को भी थोड़ा ब्राउन कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। अब गोश्त को हमने थोड़ा थोड़ा फ्राई किया, तो क्या करेंगे हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे, इनको साथ भून लेंगे। थोड़ा सा गोश्त को मैंने भूना है 3 से 4 मिनट, अब क्या किया टमाटर डाल देंगे साथ ही, इनको भी साथ ही भून लेंगे। अब साथ ही मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, इसको भी साथ ही भून लेंगे। जी अब हमने देख लें भून लिया अच्छी तरह से लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी, तो अब इसमें 1/2 किलो जो दही है वो फेंट के डाल देंगे। जी अब मैंने इसमें 1/2 किलो दही थी जो फेंट के वो डाल दी, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जी अब इसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे, ठीक है, 6-7 जो हमने काटी हुई थी, और अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, ठीक है। 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन दे दिया, वैसे दही का पानी भी खुश हो जाएगा, तो फिर इसको साथ देखते भी रहेंगे, भून लेंगे तो हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। जी 15 से 20 मिनट मैंने देखा है, तो अभी भी इसमें पानी है, तो अब हम इसको भूनेंगे, बस हमारी रेसिपी रेडी होने वाली है चिकन कढ़ाई। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा अच्छी तरह से हम इसको फिर भून लेंगे, तो फिर हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो अभी आप ये देख रहे हैं अभी ऑयल ऊपर नहीं आया, तो अभी इसमें दही का पानी है, तो अभी हम इसको अच्छी तरह से खुश्क होने देंगे। कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ गया, अच्छे से दोबारा एक दफ़ा मैंने भून लिया, तो हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। नीलम शहज़ादी की रेसिपी रेडी हो चुकी है चिकन कढ़ाई। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भेजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहती है नीलम शहज़ादी की, ओके, अल्लाह हाफिज़।